ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो और बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में मोटो जीपी रेस आयोजन के कारण गुरुवार सुबह 6 बजे से ग्रेनो और यमुना एक्सप्रेसवे पर भारी वाहनों का प्रवेश आवागमन प्रतिबंध होगा। ये वाहन NH9-2491 से होकर जा सकेंगे। जिले के बिजली उपभोक्ता 1 नवंबर से चेक से बिजली बिल का भुगतान नहीं कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन की तरफ से आदेश पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड समेत प्रदेश की सभी कंपनियों को भेजा गया है। इस आदेश की कॉपी नोएडा में विद्युत निगम के अधिकारियों के साथ सभी बिलिंग सेंटर पर भेजी गई है। यमुना प्राधिकरण मोटो जीपी भारत रेस की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट के आसपास की सड़कें, लाइटिंग और उद्यानिक कार्य कराए जा रहे हैं। प्राधिकरण ने 3 पार्किंग तैयार की है, इनमें 9,000 से अधिक वाहन खड़े किए जा सकते हैं। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में आता है, इसलिए सर्किट के आसपास की व्यवस्थाओं को प्राधिकरण सुधारने में जुटा है। इस पर करीब 4 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। मोटोजीपी बाइक रेस और अंतरराष्ट्रीय ट्रेड फेयर के दौरान बड़ी संख्या में विदेशी मेहमान और वीवीआईपी आएंगे। दोनों ही कार्यक्रम में नोएडा पुलिस की एक नई छवि मेहमानों के सामने होगी। वे सूट बूट में मेहमान का स्वागत करते नजर आएंगे। इसके लिए पुलिस कर्मियों को ट्रेनिंग भी मिल चुकी है। माध्यमिक स्तर पर पहली बार 16 से 19 वर्ष तक के स्कूल छोड़ चुके बच्चों को तलाशा जा रहा है। पढ़ाई से वंचित बच्चों को उच्च शिक्षा से जोड़ने के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है। शिक्षा विभाग ने बुधवार तक सभी स्कूलों को 9वीं से 12वीं तक ऐसे छात्रों का डाटा उपलब्ध कराने का आदेश दिए हैं। स्कूलों को ऐसे बच्चों का विवरण गूगल फॉर्म पर भरना होगा।